दिसंबर 2023 आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा बार बार समझाते हैं सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। प्रदर्शनी में तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई है। सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है, सर्विस तो जगत अम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है। वहां जाकर समझाओ कि यह जगत अम्बा सृष्टि को रचने वाली माता कौन सी दुनिया रचती है, जरूर नई रचना रचेंगी। इस माता का पिता कौन है, इनको जन्म किसने दिया। इनको परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है। जगत अम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे। परमपिता परमात्मा तो निराकार है, समझाया जाता है ब्रह्मा तन से। परमपिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, वैसे बच्ची को भी किया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनाओ, भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे, उनको प्यार से समझाओ। यह तुम ईश्वरीय संतान बिगर कोई समझ ना सके। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल्प पहले भी की होगी। भगवान को बाबा कहा जाता है, निराकार बाबा कहते हैं। माँ में कम याद करो, योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भगवान के महावाक्य हैं कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका नाम एक ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर है, यह है ही निराकार परमपिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे, रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है। वह फिर साकारी रचना कैसे रचे, तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाते हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना करते हैं। निराकार सुनाते हैं साकार द्वारा। यह बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़े। विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए, पहले पहले है स्थापना। गीता का भगवान कौन है, भगवान तो एक ही निराकार होता है। साकार को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान एक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। आत्मा समझती है हम में ही 84 जन्मों का पाठ बजाया है। आत्मा में पाठ नूंधा हुआ है, शरीर में थोड़े ही पाठ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है। यह बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ यह सर्विस भी कर सकते हैं। माँ बाप तो कहीं भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहीं भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को ही लकी स्टार्स कहा जाता है। अच्छा, मुरली का सार है मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। प्रश्न है बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है। उत्तर है घर को मना परम धाम को घड़ी घड़ी याद करो। बुद्धि में रहे अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब, चुक तू कर अमर लोक जाना है। देह से भी बेगर यह देह भी अपनी नहीं, ऐसा अभ्यास हो
तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है, एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है, विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। दूसरा है इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। आज का वरदान है एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहु रस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो, एक बाप, एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। आज का स्लोगन है शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। ओम शांति।